घर पूरा उजर चुका है। वो देखिए बांध वहाँ आगे और पानी यहाँ कुछ इस प्रकार से भर चुका है। और तो दोस्तों इसमें लोग अभी आ जा रहे हैं लेकिन खतरा से खाली नहीं है, साइड पार हो रहा है, पूरा पानी अभी नहीं से आ रहा है दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। दोस्तों बहुत लोग के रिक्वेस्ट के बाद और कमेंट के बाद मैं फिर से अमार बांध का वीडियो बनाने आ गया हूं। और भाई मैं सुंदरी गांव में हूं, देख सकते हैं ये सुंदरी जाने वाला रोड, और यहां से बस पहाड़ टोला शुरू हो जाता है जो कि डूब क्षेत्र में नहीं है। और उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग दिखाएंगे जो घर वहाँ से उजड़ा है, जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं वहाँ से, और दिखाएंगे आप लोग को बांध कहाँ तक किस स्थिति में है और पानी कहाँ तक आ गया है, और मिलते हैं आगे आप लोग से। तो जो अमार बांध से मेन रूप से जो गांव उजड़ा है मुख्य रूप से, वो सुंदरी गांव है और उसका ये प्रवेश द्वार है। झारा गांव के बाद से सुंदरी गांव का सीमा स्टार्ट हो जाता है यहां से। हम लोग अब यूपी में हैं, छत्तीसगढ़ से। और ये देखिए यहां कुछ घर तो अभी जैसे पहाड़ टोला नहीं डूब रहा है, तो ये देखिए यहाँ घर पहले था वैसी है अभी तक। ये देखिए जो मुख्य प्रभावित गाँव है वहाँ का एक घर नहीं डूब रहा है, यहाँ एक टोला जैसे नहीं डूब रहा है, वो घर अभी जो पहले था जस के पास वैसे यहाँ काम काज चल रहा है। ये देखिए यहाँ खेती किसानी कर रहे हैं हम लोग। ऊंचाई से अब फिर डाउन में आ चुके हैं यहाँ, और यहाँ भी घर बस जस के तस ही है पहले जैसा। और आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ। पहाड़ टोला से हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ एक घर उजड़ा है, और अब बस यहाँ से आगे पूरा घर उजड़ा ही मिलेगा आगे तक। उधर मेन बस्ती है, वहाँ भी चलते हैं हम लोग। पहले बहुत सारा घर था जो कि अब देख सकते हैं पूरा उजड़ गया है, और देख सकते हैं किस प्रकार से घर यहाँ उजड़ा है। और आगे हम मुख्य बस्ती वहाँ भी दिखाएंगे आप लोग को, वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ रहा करते थे, लेकिन अब वो भी घर टूट गया है। और वो अपना जो भी था सामान सब लेकर जा चुके हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। और देखिए वहाँ आगे बहुत घर टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पहले खड़ंजा रोड हुआ करता था ईंटा वाला, और इसे भी लोग ले जाएंगे ईंटा, क्योंकि अब तो कोई काम कराने जाएगा और यहाँ पूरा डूब जाएगा। तो दोस्तों अभी हम सुंदरी गांव के बीचों बीच में हैं, और अमार बांध से जो मुख्य प्रभावित गांव है उसमें सुंदरी ही मेन है। हालांकि और गांव उजड़े हैं जो कि ज़्यादा उजड़े हैं, जैसे भीसूर हो गया, और ये सुंदरी का बीच बस्ती में है। यहाँ आगे मुख्य बस्ती है जहाँ की बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहा करती थी, और यहाँ एक जामुन के पेड़ के पास है, हम लोग जामुन खा रहे हैं। और पहले ये हम लोग के आते जाने का रास्ता था स्पेशल, तो यहाँ जैसे जामुन के यहाँ भीड़ लगा रहता था जामुन खाने वाले बच्चे लोग के, लेकिन आज कोई नहीं है पूरा देखिए, क्योंकि जामुन खाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि इधर बस्ती ही में कोई आदमी ही नहीं है, क्योंकि घर तो पूरा उजड़ चुका है। तो चलिए मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आप लोग की बस्ती शुरू हो जाता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहा करती थी हमेशा, ये देखिए पूरा घर इस टाइप से। यहाँ एक भी लोग इसमें तो शायद नहीं है, उधर थे कुछ कुछ, और कुछ लोग अभी नहीं उजाड़े हैं, अपना व्यवस्था जो भी है उसी में रह रहे हैं एक एक रूम में। ये देखिए यहाँ मतलब एक भी लोग नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए तार और पूरा है, लाइट बत्ती चालू है या नहीं पता नहीं, लेकिन पोल वगैरह पूरा वैसी है, सरकारी व्यवस्था, पेड़ पौधा। ये देखिए घर पूरा उजर चुका है। दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से इस बांध बनाने में ज्यादातर पत्थर का यूज किया गया है। ये देखिए यहीं से पत्थर तोड़ा गया है, पूरा यहां गड्ढा देख सकते हैं जो बना है आपके सामने, बहुत बड़ा सा तालाब टाइप से। ये देखिए मुख्य खदान है और आगे और उधर खदान है। तो हम लोग धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जा रहे हैं जहाँ की बांध है, और बांध से हम लोग अब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और देख सकते हैं कन्हर नदी में लाल पानी, बाढ़ का पानी आ चुका है। और वो बांध वहाँ काम भी लगा हुआ है आगे, तो देखिए ऊपर में
फाइनली उस जगह पर पहुंच ही गए जहाँ बांध बना है वो देखिए बांध वहाँ आगे और पानी यहाँ कुछ इस प्रकार से भर चुका है। और ये जो अस्थाई रपटा था जिसमें लोग 8-9 महीना तक चलते थे बरसात को छोड़कर, वो देखिए पूरा भर चुका है यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से। इसमें लोग बाइक और साइकिल भी पार्क कर रहे हैं, तो हमें भी जाना है यहाँ से दूधी। अब देखते हैं हम पार हो या फिर कुर्सी पुल जाना पड़ेगा क्योंकि ये तो डूब ही चुका है। बस कुर्सी पुल जब तक नहीं डूबे तब तक वही दूधी जाने की रास्ता है। और ये देखिए पांगन में इस प्रकार से पानी वहाँ आगे तक जा चुका है, ये देखिए वहाँ पूरा भर चुका है और पानी पूरा हिलखोरा मार रहा है। और ये देखिए एक भाई साइकिल चला के आ रहे हैं आगे। और जो बांध का जो 16 गेट है उसमें 3 गेट ही बस खुला है आधा आधा, बाकी सब पूरा पैक है। तो दोस्तों इसमें लोग अभी आ जा रहे हैं लेकिन खतरा से खाली नहीं है, साइकिल मोटरसाइकिल से लोग पार हो रहे हैं पैदल भी, क्योंकि इसमें कंक्रीट डाला गया है पूरा पैक है। और भाई आए हैं, कहाँ घर है आपका? पघाड़ों में क्या घर है? ससुराली में, कौन सा गाँव में जाएंगे? और ये बता रहे हैं कि मतलब कर्णपुरसी पुल तक चला गया है पानी से। यही है यहाँ देखिए आधा से कुछ कम यहाँ आगे, और पूरा देख सकते हैं पैक होता है। ऐसे हैं शॉर्टकट के चक्कर में, तो शॉर्टकट ना अपनाएं, रिक्स ना लें, और हम तो पार हो जाएंगे इसी में। अभी पानी नहीं बरस रहा है और पड़ने का उम्मीद नहीं है। पांगन नदी और ये रास्ता पूरा बर्बाद ही हो चुका है, बचा है और पानी का बचा कोई गारंटी नहीं है। पार हो रहा है, हम भी पार हो जाएंगे इसी में। तो दोस्तों पार तो हम हो चुके हैं लेकिन आपको एकदम हम तो आ गए और बहुत तो कहा जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि बीच में पानी 5 फीट में ही है लेकिन 10 फीट का कोई गारंटी नहीं है। और इस जगह पर दोबारा नहीं आ सकते हैं, इसलिए बहुत लोग इस पल को, इस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं और अपना यादगार के लिए फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो हम बांध के पास ही पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं पानी यहाँ इस प्रकार से भर गया है और यहाँ देखिए पानी लगना स्टार्ट हो गया है और आगे काम भी चल रहा है। और ये देखिए इधर किनारे में ये जो गर्मी से पानी रोक है वहाँ गेट आप देख सकते हैं, 3 गेट खुला है इस प्रकार से और आगे काम भी चल रहा है वहाँ। पानी यहाँ देखिए आगे में के बांध अभी यहाँ तक पानी आया है, वो देखिए वहाँ आगे तक, वहाँ जो कच्ची हिस्सा बोल सकते हैं इधर आगे में, और ये पक्की पूरा इधर, यहाँ 3 गेट खुला है आधा आधा और बाकी पैक है। और वहाँ देखिए पानी, ये कन्हर नदी है पांगन, ये पूरा पैक हो चुका है। तो यही है, आगे आप लोग को और दिखाएंगे उधर निचले स्तर में उधर पानी कितना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बांध के गेट के नीचे में तो जो होल बना है उसमें पानी जा रहा है कि नहीं, बंद है कैसे है। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर चल रहे हैं जहाँ बांध के किनारे किनारे रोड जो बना था, बांध के बगल से जो जाते थे पुलिस चौक की तरफ, वो रोड में चल रहे हैं और इधर अभी तक पानी नहीं आया है लेकिन इधर भी घर उजड़ चुका है, आगे में कुछ लोग हैं एक दो जन। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बांध के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी छोर में, और ये पश्चिम छोर यहाँ से समाप्त हो जाता है, ये देखिए यहाँ। और यहाँ कुछ बड़ा सा बना है पानी टंकी टाइप से बोल सकते हैं आगे, और यहीं से हम लोग राइट लेकर मार्केट की ओर चल जाएंगे, अमवार बाजार की ओर, और वहीं से फिर आप लोग को बांध के जस्ट नीचे का दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ बांध यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, जो इसका लंबाई है 2 किलोमीटर कुछ मीटर का, वो यहीं पर आकर लास्ट हो जाता है। और ये देख जो इंटेक वेल यहाँ लिखा है, इस प्रकार से यहाँ इतना काम चालू नहीं है, बाकी इसमें भी काम होते रहता है। ये देखिए यहाँ कुछ बिल्डिंग बना हुआ, और इधर से ही मेन रोड में जा सकते हैं और वहाँ भी कुछ सिस्टम आगे बन रहा है वो देखिए वहाँ। और ये हम लोग धीरे धीरे बाजार में पहुँचते जा रहे हैं, यहाँ से बाजार शुरू हो जाता है अमवार का, जो कि बहुत ही पुराना मार्केट था। और ये बाजार भी बोलते हैं कि यहाँ से चेंज हो जाएगा अगले जगह पर।
ये अमवार का बाजार है, तो यहाँ देखिए आगे उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो बांध का निचला हिस्सा है। और यहाँ देखिए बजरंगबली जी का मंदिर जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में बना है। बजरंगबली का बहुत बड़ा सा मंदिर जो इधर आसपास के इलाका में नहीं है, 10-50 किलोमीटर एरिया में, और साउथ इंडियन स्टाइल में बना है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ। और इधर देखिए बांध, वहाँ आगे ये बांध का नीचे का हिस्सा है। और ये देखिए वहाँ काम चल रहा है अभी ऊपर में, वहाँ देखिए आगे इस प्रकार से। तो ये जो है मंदिर के जस्ट नीचे का दृश्य, यहाँ देखिए यहाँ से बांध कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ देखिए दोस्तों कन्हर 0 किलोमीटर और दुधी 13 किलोमीटर, और ये यहाँ उसका बोर्ड लगा है कन्हर नदी का, वहाँ आगे इसका वहाँ वो बांध का बोर्ड लगा है सॉरी, और वहाँ आप जान सकते हैं बांध की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका गेट किस प्रकार रहेगा, कितना डूबेगा, और ये बांध देख सकते हैं। और ये रोड यहाँ से आप मंदिर तरफ जा सकते हैं, और यहाँ से हम आगे चलेंगे जहाँ से बोलेरो आ रही है, आगे दिखाएंगे आप। तो दोस्तों यही है, यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं कन्हर नदी में जो अस्थायी रपटा है बांध के नीचे से। और आगे वहाँ देखिए बांध, ये देखिए पूरा रफ्तार से पानी आता हुआ, जो 2 होल बना है उसी में पानी आ रहा है अभी तक का। और बाकी वो गेट है वहाँ, और ये गेट खुला है आप लोग देखे हैं। कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं यहाँ। यहाँ देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र कार्य प्रगति पर है, बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, संपर्क नंबर चौकी प्रभारी अमवार, ये जिला अधिकारी सोनभद्र। ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा है, इधर नहीं जाना है। और वहाँ देखिए वो जो 2 होल है बांध के जस्ट पूर्वी क्षेत्र है, ये बांध का पूर्वी हिस्सा है। यहाँ देखिए जो होल है वहीं से पानी आ रहा है अभी तक टोटल, और यहाँ से फिर आगे स्टार्ट हो जाता है कच्ची हिस्सा बोल सकते हैं, पूरा पानी अभी वहीं से आ रहा है। बाकी घर कहीं से पानी नहीं आ रहा है, आगे उधर काम चल रहा है। और ये गेट देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा सा 16 गेट है इसमें, जो कि 3 गेट खुला है और काम भी चल रहा है बाकी में। वहाँ देखिए आगे, और कुछ लोग मछली भी मार रहे हैं इधर। तो दोस्तों यही है कन्हर नदी का हाल चाल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी हम यहाँ से आएंगे क्योंकि कुछ काम है मार्केट में, और उसके बाद अब हम वापस नहीं होंगे उस सुंदरी जाने वाला रास्ता में जिधर से हम आए हैं। और अब हमको जाना पड़ेगा कुर्सी पुल, और पता करेंगे कि अभी तक कहां तक पानी का घुच दबाव आ चुका है, जहां तक कि कांगड़ में पानी है। तो यही है, ये देख सकते हैं इधर लोग, कन्हर नदी है और पानी जो 2 होल है उसी में पानी अभी पूरा आ रहा है, बाकी पूरा जगह जाम हो चुका है। और मुख्य रूप से कि सभी गेट बंद है बस्ती